भारत में आज टीवी इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि छोटा पर्दा भारतीय घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसी के चलते इन डेली सोप में काम करने वाले स्टार्स की पॉपुलैरिटी और फैंस बेस भी कई बॉलीवुड सितारों से ज्यादा है। वहीं टीवी एक्ट्रेस की सैलरी की बात करें तो ये उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके शो की पॉपुलैरिटी के बेस पर निर्धारित है। कुछ टेलीविजन सितारों को प्रति एपिसोड लाखों रुपए तक की फीस मिलती है। आइए जानते हैं टीवी के हाई स्पीड सितारे कौन कौन से हैं। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टीवी एक्टर कपिल शर्मा हैं, जो 300 करोड़ रुपए के नेटवर्क के साथ भारत के सबसे अमीर टीवी एक्टर हैं। वही टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य पब्लिकली उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पॉपुलर कॉमेडियन द कपिल शर्मा शो के प्रति घंटे के लिए 30 लाख रुपए लेते हैं। फिलहाल क्रू स्टार नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट कर रही हैं। रूपाली गांगुली पिछले कुछ सालों से इंडियन टेलीविजन पर अनुपमा सीरियल में लीड रोल निभा रही हैं। कथित तौर पर एक्ट्रेस एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। करण कुंद्रा भी टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। उन्होंने कथित तौर पर तेरे इश्क में घायल के प्रति एपिसोड से 3 लाख रुपए कमाए। बिग बॉस 15 स्टार को हाल ही में एरिका फर्नांडिस के साथ लव अधूरा में देखा गया था। हर्षित चोपड़ा ने टीवी सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी का किरदार निभाकर खूब तरक्की हासिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेबना स्टार्स ने प्रत्येक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए कमाए। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद तेजस्वी प्रकाश का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। वह टीवी के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। नागिन 6 में एक्टिंग करने के लिए एक्ट्रेस को 2 लाख रुपए मिलते थे। दिव्यांका त्रिपाठी आज वी टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्हें ये है मोहब्बत से इससे काफ़ी फेम मिला था। नशवली 8 की विनर को कथित तौर पर प्रति एपिसोड 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए मिलते हैं। दिलीप जोशी द्वारा निभाए गए जेठालाल के किरदार के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कल्पना करना मुश्किल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को प्रति एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीज चार्ज होते हैं। जेनिफर विंगेट ने बेहद और बेहद 2 में माया के किरदार को निभाकर सभी का दिल जीत लिया। पॉपुलर शो के सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जेनिफर ने कथित तौर पर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीज चार्ज की। अब बात करते हैं श्रद्धा आर्य की, जिन्होंने प्रति एपिसोड के लिए कुंडली भाग्य में 1.5 लाख रुपीज हासिल किए थे। वहीं इस लिस्ट में एक्टर गौरव खन्ना का नाम भी शामिल है, जो कि सीरियल में इस वक्त अनुष्का रोल निभा रहे हैं। वो एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीज चार्ज करते हैं।